याद रखिए। तो लास्ट अभी मैंने आपसे कहा था कि हम इसके चार रूल है कि अगर मेरे पास कोई ऑपरेंट आता है तो उसको मैं स्टैक में पुश करूंगा, ठीक है ना, और हम लेफ्ट टू राइट मैं स्कैन करूंगा, ठीक है ना, और अगर ऑपरेटर आता है तो मैं पॉप करूंगा, दो पॉप करूंगा और फिर उसका रिजल्ट जो है ना अगेन स्टैक के अंदर मैं पोस्ट कर दूंगा। तो ये चार रूल है, अभी इसको करके देखते हैं। तो जैसे थ्री आया मेरे पास, तो ये मेरे पास ऑपरेंट है तो मैं स्टैक के अंदर इसको पुट कर दूंगा, ठीक है ना। दोबारा मेरे पास स्कैन जब किया तो टेन आया तो मैंने इसको स्टैक के अंदर पुश कर दिया। फिर मेरे पास फाइव आया तो अगेन मैंने इसको स्टैक के अंदर पुश कर दिया। उसके बाद मेरे पास ऑपरेटर आया तो दो पॉप करना है, मैंने लास्ट टाइम भी कहा था दो पॉप करने, तो जब दो पॉप करेंगे तो मेरे पास थ्री रह जाएगा, एक आपके पास आ जाएगा पहले पॉप से फाइव, दूसरे पॉप से आपके पास टेन आ जाएगा। अब इसके रिजल्ट कैसे करना है, याद रखिए रिजल्ट आपने करना ये है, ये टेन को पहले रखना है और फाइव को बाद में, क्योंकि पहले एंटर हुआ था। अगर डिवीजन का होना तो फॉर एग्जाम्पल बाथरूम कैसे करते, फाइव डिवाइड बाय टेन, ये गलत है। आपने जो लास्ट में पॉप हुआ है ना इसको पहले रखना है और जो पहले रखना है इसको बाद में, इसको नीचे रखना है, ठीक है ना, ये डिवीजन के केस में। बाकी केस में माइनस के केस में भी ऐसा होगा, अगर माइनस ऑपरेटर आता है तो आपने टेन माइनस फाइव, फाइव माइनस टेन गलत है, प्लस और मल्टीप्लीकेशन के केस में तो ये इशू नहीं आता। तो इस केस में बाद जब प्लस हुआ तो 15 और रिजल्ट बैक इनटू द स्टैक, ठीक है ना। उसके बाद जब स्कैन ये चलते चलते प्लस के बाद स्टार आ गया तो दोनों को पॉप करे, आपके पास स्टैक एम्प्टी रह जाएगा और 15 थ्रीजा 45, अगेन उसको स्टैक के अंदर क्या करे, पुश करे। इसके बाद जब एक्सप्रेशन खत्म हुआ तो जो स्टैक के अंदर रिजल्ट होगा उसको पॉप करके आपके पास आंसर आ जाएगा 45। तो ये आपका आंसर आ गया 45। इस तरह क्वेश्चन आ सकते हैं। एक और एग्जांपल करते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास जो है ना एक्सप्रेशन आता है जैसे ए बी सी स्टार प्लस डी माइनस, और सपोज करें ए इज इक्वल टू है 4, बी इज इक्वल टू है 3, सी इज इक्वल टू 2 एंड डी इज इक्वल टू 5, ठीक है ना। तो अगर इसको मैं ये नंबर ये एक्सप्रेशन में चेंज कर लूँ तो ये मेरे पास एक्सप्रेशन कैसे आएगा, ए की जगह 4 पुट कर ले, 4 बी की जगह 3, सी की जगह 2 स्टार प्लस डी की जगह 5 माइनस, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं तो लेफ्ट राइट हम स्कैन करेंगे ऐसे, पहला मैंने स्कैन कर दिया तो मेरे पास क्या आया, मेरे पास 4 आया तो पुश इनटू द स्टैक, फिर मेरे पास स्कैन हुआ 3 पुश इनटू द स्टैक, फिर मेरे पास स्कैन हुआ 2 पुश इनटू द स्टैक। सिंपल सा रूल है, बहुत आसान सा। फिर स्टार आया, स्कैन जब हुआ स्टार तो दोनों को पॉप कर ले, तो जब दोनों को पॉप कर दिया 2 एंड 3 और जब इसको मल्टीप्लाई किया तो 6 आया और रिजल्ट बैक इनटू द स्टैक, ठीक होगा। नेक्स्ट टाइम मेरे पास प्लस आया तो प्लस के केस में भी दोनों को पॉप करे, 6 और 4 प्लस 10, ठीक है ना, रिजल्ट बैक इनटू द स्टैक। उसके बाद मेरे पास आया 5, रिजल्ट बैक इनटू द स्टैक। उसके बाद माइनस आया, दोनों को पॉप करे, 5 10। अब इस केस में देखिए मेरे पास माइनस है ना, तो माइनस के केस में 10 बाद में निकला है तो उसको पहले रखो 5 को उसके बाद, और रिजल्ट आ जाएगा 5 और पुश इनटू द स्टैक, एक्सप्रेशन खत्म, 5 इज योर आंसर, ठीक हो गया। तो इसी तरह आपने जो है ना ये चीजें परफॉर्म करनी है, बड़ा सिंपल सा रूल है इसके ऊपर। यहाँ तक मैं इसको अभी वाइड अप करता हूँ, इसका कोड नेक्स्ट क्लास में मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, और कोशिश करें आप लोग इसके कोड लिख के एज अ असाइनमेंट, ठीक है ना, ये आपका असाइनमेंट है कि नंबर होंगे। तो ये आपने मुझे एक दो दिन के अंदर सबमिट करना है और मैं दो दिन के बाद इसका वीडियो बना के आप लोगों को बना भी दूंगा। बड़ा सिंपल सा कोड है, आप लोग को
इसको थोड़ा सा कोशिश करे, खुद करे, इतना कोई मुश्किल नहीं है मेरे ख्याल में, ठीक है ना। और फिर इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर।